देखिए यहाँ से आप सर हर प्रकार का सामान लेके ऊपर जा सकते हैं। जो लोग दर्शन करने जाते इस पट्टी को सिर को बांध के, और जब वो लोग दर्शन करके वापस आते तो उस पट्टी को इस प्रकार बांधा जाता है, और जो लोग बूढ़े होने के कारण से उनसे ऊपर चढ़ा नहीं जाता है वो लोग लकड़ी का सहारा लेके 14 किलोमीटर का सफ़र करते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र है और दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है इस दर्शन से। जिन लोगों से जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों से चला नहीं जाता है। जिन लोगों से चला नहीं जाता उन लोगों ने लकड़ी का सहारा लेके धीरे धीरे जाना है। ढले होने के कारण से काफ़ी सारी परेशानी आ सकती है, और लकड़ी का इस प्रकार सहारा करके जो लोग बूढ़े रहते हैं वो लोग घोड़े पे सवारी करके माता रानी के दर्शन लेने के लिए ऊपर तक 14 किलोमीटर जाते और घोड़े पे ही वापिस माता रानी का दर्शन लेके आते। कारण कि अभी हम नीचे से 14 किलोमीटर सवारी करेंगे, काफ़ी ऊंचाई है, ऊंचाई होने की वजह से काफ़ी सारी परेशानी आती, कुछ लोग घोड़ सवारी करके जाते। इतने ऊपर होने के बाद माता रानी, जैसे कुछ लोग यहाँ से आते तो जो लोग है धीरे धीरे नीचे जाना पड़ता है, यहाँ से गेट पास लेना पड़ता है। गेट पास लेने के बाद वो लोग धीरे धीरे इस प्रकार माता रानी के दर्शन को या दर्शन के लिए वो लोग लाइन लगाते। लाइन लगाने के बाद यहाँ से माता रानी के दर्शन के लिए एंट्री करके ऊपर जाना पड़ता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रही है, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने हुए, मैं आपको लास्ट तक ले जाता हूँ।